नरसिंहपुर में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी द्वारा रेत को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा चुकी है। राज्यसभा सांसद के बयान पर कांग्रेस ने जमकर पलटवार किया। नरसिंहपुर जिला हमेशा से ही रेत को लेकर प्रदेश में सुर्खियों में बना रहता है। जिले के लोगों का कहना है कि रेत महंगी होने के चलते अपने घर का सपना देखने वालों के लिए यह एक समस्या बन जाती है। कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। राज्यसभा सांसद ने कहा था कि गरीब लोगों को 2000 पर ट्रॉली में रेत पहुंचा कर देंगे, इससे ज्यादा कोई अधिक मूल्य पर रेत बेचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के लोगों को रेत 2000 प्रधानमंत्री आवास और सरकारी कामों के लिए अनुमति लेकर के वो देंगे, उसका दाम अलग है, लेकिन आम उपभोक्ता के लिए 2000, दीगर कामों के लिए इनके लिए 2000 में ट्राली मिलेगी। और कलेक्टर से भी बात हुई है, उनका कहना है कि कोई भी 2000 से ऊपर मांगे तो या तो आप अपनी उसकी क्लिपिंग बना लो या लिखित शिकायत दो, तो वो आदमी बेचने वाला भी नहीं रहेगा, जो ज़्यादा पैसा रहेगा और लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्रामीणों को कैसे मिलेगी, क्या करना होगा ग्राम में? यहाँ भी जो लोग रेता दे रहे हैं उनको 2000 में वो रसीद काट करके आपको 2000 में रेत देंगे, और बाकी के जो सरकारी काम हैं पंचायत के सचिव को वो काम स्वीकृत काम के आधार पे यहाँ खनिज विभाग से अनुमति प्राप्त करना होगा। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी के इस बयान पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मैथिली शरण तिवारी ने पलटवार करते हुए बताया कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, इसकी सच्चाई जानने के लिए मीडिया को गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री आवास वाले लोगों से मिलकर सच्चाई का खुलासा करना चाहिए। भाजपा का काम मात्र झूठ बोलना है, क्योंकि भाजपा जो रेत 2000 में देने का बोल रही है, असल में जिस कंपनी ने रेत का ठेका लिया है वहीं ट्रॉली पर 2500 की रॉयल्टी ले रही है। गरीब मजदूर लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास में लगने वाली रेत 4000 से 5000 में मिल रही है। सब जानते हैं कि भाजपा का काम ही झूठ बोलना है, और भाजपा झूठ बोल के ही आज सरकार में बैठी है। जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की है कोई पूरी हो रही है? आज किसान को खाद नहीं मिल रहा, आज किसान को बीज नहीं मिल रहा, 2019 का फसल बीमा जिले के 1000 से ऊपर किसानों को नहीं मिला, उपभोक्ता फोरम में केस लगे हैं, सीएम शिकायत में लगे हैं, 2020 का किसी को फसल बीमा नहीं मिला, कहते हम सब मदद करेंगे, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। तो चारों तरफ देखिए आप, गरीबों को सड़ा मिल रहा है, जो भी राशन मिल रहा है, धान के जो सेंटर है उनमें आप देख रहे हैं लाइन लगी है, कल अंतिम तारीख है, तारीख भी नहीं बढ़ रही, कितना किसान परेशान। तो भाजपा का तो काम ही झूठ बोलना है, अब आप लोगों को उनकी झूठ उजागर करना चाहिए, बोलने को तो कुछ ही बोलते हैं। नर्मदा संरक्षण की दिशा में क्या प्रयास है? आज सरकार उनकी है, शायद आपको याद होगा, चार साल पुरानी बात है, जब बोले थे कि प्रदेश में हमने कितने करोड़ पौधे लगवा दिए, पेड़ लगवा दिए, तो पेड़ दिखे आज तक आप लोगों को, मीडिया वालों को, कितनों के बिल बन गए, कितनों के पेमेंट हो गए। तो उनका काम तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है। जितनी आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं जा रहा हूँ, जितनी इनने संडास बनवाई थी गरीबों की, सब चौक हो गई हैं, फिर से खुले में सब समझ जा रहे हैं, मगर उस समय चूँकि वोट चाहिए था तो उनने कहा साहब हम संडास बनवा रहे। रेत को लेकर राज्यसभा सांसद कह रहे 2000 रुपया पेट्रोली करवाएंगे, ये हो सकता है? नहीं, अब वो कह तो रहे हैं मगर हुआ तो नहीं है, भाई कहना तो हम कहते रहेंगे, अभी कहते हैं गुड़ा में हम हवाई अड्डा बनवाएंगे। तो आप लोगों को ये देखना चाहिए, देखिए प्रजातंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया। तो आप लोग भी तो देख रहे हैं क्या 2000 में रेत मिल रही है, क्या रेत माफियाओं से आम लोग परेशान नहीं है? जिसको पकड़ रहे हैं मान लो किसान अपनी रेत ला रहा है, उससे वो पैसे वसूल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, 2 या 3 दिन पहले लड़ाई झगड़े यहीं आपके डंडे चले हैं चीचली ब्लॉक में किसी गांव में जो मीडिया में आया। तो कहना और करना इन दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। विकास की बात भाई वो तो ये भी कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी ने कहा था कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वही तो आप बेच रहे थे। तो अब इनकी बात को कहाँ तक अपन सत्य माने और इनकी बात पर कहाँ तक अपन चर्चा करें,
अब यह है कि आम जनता भोली भाली को वो इस तरह देगा। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र पटेल गुड्डू का कहना है कि गरीबों को रेट सस्ते में मिलना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि झूठ की खेती बीजेपी की पुरानी आदत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनके मकान बन रहे हैं उनको फ्री रेट मिलना चाहिए, हमारी मांग है प्रशासन से। और जो 2000 के रेट का निर्धारण किया गया है, जो आपके द्वारा बताया गया है, ये अनुचित है। शासकीय ठेकेदारों के लिए जो शासकीय भवन बनते हैं उनको 2000 रुपये की रेट मिले, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं। पर जिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बन रहे हैं उनकी तो फ्री मिलना चाहिए उनके लिए रेट। सोनी जी का बयान आया था राज्यसभा सांसद का, 2000 में हम गरीबों को देंगे, परंतु तेंदुखेड़ा में 5000 और 4000 में बिक रहे हैं। क्या क्या यहाँ पर अगर कलेक्टर ने आदेश कर दिए हैं तो आप लोगों को इसके संबंध में तहसीलदार से बात करना चाहिए रेट के निर्धारण की, अगर जिले में हो गई है तो। अगर नहीं हुए हैं तो इसकी मांग करना चाहिए कि इसकी मांग की जाए और फ्री ऑफ कास्ट रेट मिलना चाहिए गरीबों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। रेत के दाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो चुके हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन सवाल यही उठता है कि गरीबों को रेत कितने दाम पर मिलती है। एमपी न्यूज टीवी के लिए गाडरवारा से अरविंद स्थापक की रिपोर्ट।